परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा आज की सुबह होने पाए। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों को आज की सुबह प्रभु यीशु मसीहा के नाम से स्नेह अभिवादन। मैं आप सबके सम्मुख बांटती हूँ आज की सुबह ध्यान लगाने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन का भाग है 2 तिमोथियस अध्याय 2 का 6 वचन। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। अनुग्रहित वचन के इस भाग में से परिश्रम करने वाला व्यक्ति, इस विषय पर आज मनन करने के लिए परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीहा के एक युवा प्रचारक तिमोथियस को सुसमाचार की सेवा में बढ़ने और विश्वास और परिश्रम करने की प्रेरणा के रूप में प्रेरित पौलुस के यहाँ 3 अलग-अलग परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। इसी भाग के 3रे वाक्य में एक अच्छे योद्धा की तरह, 5वें वाक्य में अखाड़े में लड़ने वाले की तरह और 6ठे भाग में एक परिश्रम करने वाला व्यक्ति या एक किसान इस प्रकार से दर्शाया गया है। हम जानते हैं परिश्रम करने वाला किसान अपने जीवन में कितनी मेहनत करता है, चाहे कितनी भी गर्मी, सर्दी, बारिश, दिन या रात, इन सब के बावजूद एक किसान हमेशा परिश्रम करने वाले एक उत्साह में होता है। चाहे सूखा हो या उसके खेत में पानी की कमी पड़ जाए या आंधी तूफान आए, इसी प्रकार कुछ नष्ट ना हो जाए या उसे कोई हानि ना हो, इन सारी बातों को एक किसान बिना डरते हुए हर दिन परिश्रम करता है। आज हमें परमेश्वर के द्वारा अध्ययन करने के लिए मिले गए वचन को मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। इस वचन में परमेश्वर हमसे कहता है जो कोई परिश्रम करता है वह परिश्रम करने के साथ प्रतिफल को भी अनुभव करेगा, अर्थात विश्वास में परिश्रम करने वाले कोशिशों को परमेश्वर फल देगा। फल देना ही नहीं बल्कि उस फल को अनुभव करने की कृपा भी वह देगा। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं, आप शायद खुद का बिजनेस चलाने वाले व्यक्ति हों, नहीं तो किसी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी में काम करने वाले होंगे। केवल नाम के लिए काम करने वाले ना बने, आलस के साथ काम करने वाले ना बने, बल्कि परिश्रम के साथ अपने काम को करें, क्योंकि उस परिश्रम का फल आपको आपकी पूरी जिंदगी भर सुख, शांति, समाधान से अनुभव करने के लिए परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लोग विभिन्न प्रकार से काम कर रहे हैं, पर अपने उस कार्य को सत्य और विश्वास के साथ अच्छे मन से परिश्रम के द्वारा करने वाले कुछ ही लोग हैं। अन्य रूप से या गलत तरीके से परिश्रम किया हुआ फल हमारे जीवन पर काम नहीं आएगा और वह हमारे जीवन के मध्य में ही नष्ट हो जाएगा, ऐसा पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। इसलिए हमारे अच्छे समय में परमेश्वर के द्वारा दिए गए अच्छे स्वास्थ्य के द्वारा हमारे काम करने के हर क्षेत्र में विश्वास के साथ परिश्रम करके काम करने वाले बने। ऐसा नहीं हो कि हम हमारे काम में काम चोरी करके जो फल हम प्राप्त करेंगे उस फल का शायद हम जीवन में अनुभव ना कर सकें। हर क्षेत्र में कार्य करने वाले एक व्यक्ति को उसी के अनुसार परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। इस महामारी के समय में भी जब सब लोग परिश्रम कर रहे हैं तो उन्हीं के बीच में एक ऐसा समूह या एक ऐसा व्यवसाय क्षेत्र है, मेडिकल डिपार्टमेंट। यह वह आदर और सम्मान पाने वाले डॉक्टर, नर्स और मेडिकल डिपार्टमेंट के अन्य कर्मचारी जो मन लगाकर विश्वास के साथ इस महामारी के समय में भी परिश्रम कर रहे हैं। इन दिनों अखबार में हमने एक युवा डॉक्टर के बारे में पढ़ा था, डॉक्टर प्रज्ञा, जो नागपुर के कोविड सेंटर में काम करती है। वे छुट्टियों पर अपने घर आई थी लेकिन कोविड के चलते उन्हें छुट्टी के बीच ही अपनी नौकरी पर लौटना पड़ा। लॉकडाउन के चलते बस या ट्रेन नहीं होने के कारण भी उन्होंने अकेले अपनी स्कूटी से 180 किलोमीटर की दूरी का सफर तय किया। जंगल से घिरे रास्ते और नक्सली इलाकों के होने के बावजूद वह अपने घर बालघाट से नागपुर तक अपनी स्कूटी से पहुंची। उन्होंने 7 घंटे की यात्रा की। इसलिए प्रियजनों, जब परमेश्वर आज हम सबको परिश्रम करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य और बल दे रहा है, तो बिना कोई कारण या बहाना किए हुए हम परिश्रम करें।
आप सबका दिन अति आशीषमय हो।